मुझे ना समझ में नहीं आ रही मैं वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ। मुझे लग रहा है मैं कैमरे में कुछ ज्यादा ही घुस के बैठ। ये वीडियो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ऑफ जो हमारी मेजर प्रॉब्लम पे मैं आपको आज अटैक करने वाली हूँ, जिसमें आपको हेयर फॉल हो रहा है, नेल्स टूट जाते हैं, बढ़ते नहीं है क्योंकि एकदम स्ट्रांग नहीं होते, स्किन जो है ड्राई हो रही है, डैमेज हो रही है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना और जो भी पूछना चाहते हो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो। हाँ, आज एक हॉनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं सच में ये हॉनेस्ट रिव्यू है बिकॉज मैं इसको 15 दिन से इंटेक कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके संग कोई भी मतलब ऐसे नॉर्मल फेक रिव्यूज नहीं शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको कोई हार्मफुल हो। तो गाइस मुझे ना इतने ज्यादा हेयर फॉल होते हैं विंटर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, समर्स में तो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, लेकिन समर्स में भी हेयर फॉल होता रहता है। और अब ऐसा मतलब कि डेली का रूटीन हमारा है, आपका भी ऐसा ही होगा कि आप नहीं ध्यान दे पाते हो, अपने हेयर की केयर नहीं कर पाते हो। और नेल्स को तो स्ट्रॉन्ग यार क्या बताऊं मैं, ना जब नेल्स मुझे बढ़ जाते हैं ना मैं उतने दिनों अपने नेल्स कैसे देखती रहती हूँ, ऐसे देखती रहती यार कितने खूबसूरत लग रहे हैं देख अभी भी। लेकिन ये सच बताओ स्ट्रांग नहीं होते थे उस टाइम पे, तो ये जल्दी टूट जाते थे, एटलीस्ट मतलब बढ़ते कम थे टूटते ज्यादा थे। अभी क्या है मेरे नेल्स एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि नहीं काफी दिन से मतलब टिके हुए हैं, टंगे हुए मैं कहने जा रही थी मतलब काफी दिन से ये टिके हुए हैं और ये असली हैं, क्योंकि कोई कोई कमेंट कर देगा दीदी नकली नेल से देखो उखाड़ ही उखड़ नहीं रहा है, तेजी से उखाड़ ही असली नेल से दीदी है ना। सो गाइस ये सच में इतने ब्यूटीफुल नेल्स का जो राज है वो एक मतलब कि एक कमी है जो लिटरली काफी ज्यादा टेस्टी भी है। और ये एटलीस्ट मैंने 15 दिन खुद पहले ली है क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो और ऐसा ना हो कि किसी को नुकसान कर जाए, इस वजह से मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था। तो मैं सोचा फाइनली मैं इसको शेयर करती हूँ आपके साथ। अपने स्किन वगैरह पे भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही थी, बहुत ज्यादा मतलब कि स्पॉट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट आया था रिव्यू के लिए, तो मैंने पहले इसको 15 दिन खुद इनटेक किया है, देन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लिटरली काफी इफेक्टिव है, हेयर्स पे तो मुझे ग्रोथ नहीं दिखी क्योंकि 15 दिन में क्या ही ग्रोथ दिखेगी, अब मैं कह दूं 15 दिन में 2 इंचेस बढ़ गए तो वो तो एकदम फेक हो जाएगा गाइस। लेकिन हाँ जो मेरा हेयर फॉल था वो रिड्यूस हुआ है और नेल्स पे भी मुझे काफी इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि काफी ज्यादा पहले से ये स्ट्रांग हो गए हैं और मतलब अब नजर ना लगे, लेकिन यार सच में ये मतलब टूट नहीं रहे हैं। लेकिन सच में ना ये मतलब कि पहले क्या था कि मैं किसी चीज को उठाने में या कुछ में बहुत ध्यान दे उठाती, अब हाँ मैं ऐसे नॉर्मल पकड़ रही ऐसे नहीं करती थी क्योंकि बहुत ज्यादा पतले नेल्स निकलते थे और टूट जाते थे। मे भी कुछ लोग कहते थे कैल्शियम की कमी है, ये है वो है, लेकिन मैंने क्या क्या किया कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये सच में काफी ज्यादा इफेक्टिव है जो कि स्किन पे भी काम कर रही है, जिसमें मैंने अपनी ड्राइनेस वगैरह पे देखा और स्मूथनेस पे भी देखा कि काफी ज्यादा मतलब पहले से अब बदलाव आए हैं। तो ये ना वर्क करेगा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं डेफिनेटली ये वाला आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, हाईली रिकमेंड। लेकिन हाँ आप अगर प्रेग्नेंट है तो आप नहीं ले सकती हैं, लिखा है कि 18+ वालों के लेना है, अगर आप अंडर 18 है तो मत लीजिए। हाँ और इसका जो खाने का तरीका है उसमें बहुत टेस्टी है, मैंने आज खाई भी नहीं थी, मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगी तब खा लूं। तो इसमें कुछ इस टाइप की ऐसी आपको आएगी, बहुत क्यूट सी आपको पैकेजिंग मिलने वाली है अंदर, और ऐसे आपको ओपन करना है आपको मुंह में पानी आने वाला है डेफिनेटली, कुछ इस टाइप की ऐसी प्रॉपर सी आएगी। इसका टेस्ट काफी अच्छा है, गले में चली गई थी पता है, बाहर निकाल ली मैंने, सब कर लेते मुझे पता है जी बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको एक ही लेना है, ये नहीं कि एक दिन में 4-5 खा जाना क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि इतनी ज्यादा यमी है ये। आपको शार्क टैंक वाला सोनी पे जो एपिसोड आता है उस पर भी देखना, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, और तो बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी। आपको कोई अगर एलर्जी नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो तो आप पी ले सकते हैं, अदरवाइज आप प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे मेरे बताने हैं किसी भी इन्फ्लुएंसर के बताने पे मत लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज ना जरूरी नहीं कि जो हमें सूट करे वो आपको सूट करे, आपको नुकसान कर सकती है। तो डेफिनेटली यार प्लीज एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, और फिर 15 दिन मेरी तरह लेके मत कहना कि दीदी कुछ नहीं हुआ, 15 दिन नहीं एटलीस्ट मतलब आप 3 मंथ तो उसको फॉलो करिए तो आपको जरूर इफेक्ट देखने मिले, क्योंकि 15 दिन में तो यार कोई जादू नहीं होता है, ये हमें भी पता है। हमें थोड़े से रिजल्ट देखने को मिलते हैं फिर हम उसको मतलब नहीं फॉलो करते हैं तो वो एकदम बेकार हो जाते हैं, तो इसलिए आप अगर डेली रूटीन में अगर ये 3 मंथ तक फॉलो करेंगी तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें इसका लिंक आपके संग शेयर कर दूंगी, तो आप मेक श्योर वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।